मोस्ट वेलकम। मेरे नई वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शक्तिमान मूवी को। लो दोस्तों, सभी को याद है 90 का दशक और 90 के दशक के अंदर प्रमुख टीवी सीरियल। जी हाँ दोस्तों, जब ये टीवी सीरियल आता था तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सब कुछ रुक जाता था और मुकेश खन्ना भाई इस सीरियल के अंदर लीड रोल निभाया था और शक्तिमान करेक्टर के अंदर उनके रोल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। दोस्तों 90 का दशक का सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, उसकी पॉपुलरिटी ज़बरदस्त थी, लेकिन उसकी पॉपुलरिटी को देखते हुए अभी हाल ही में दोस्तों 2022 के अंदर इसको लेकर एक मूवी भाई अनाउंसमेंट की गई थी कि भाई शक्तिमान मूवी बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मूवी अनाउंसमेंट की गई थी उसी समय रणवीर सिंह को लेकर यह अनाउंसमेंट किया गया था कि रणवीर सिंह इस मूवी के अंदर लीड रोल निभाएंगे और वो कहीं ना कहीं भाई शक्तिमान बनने वाले हैं। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगी थी कि शक्तिमान के लिए भाई रणवीर सिंह को सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन जैसे खबर निकल कर आई उससे कुछ समय बाद ही दोस्तों मैं कह देना चाहता हूँ, बेसिकली जब ये खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो चुकी थी उसके बाद मुकेश खन्ना सामने आते हैं और भाई मुकेश खन्ना इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि वो इस रोल के लिए रणवीर सिंह को भाई परफेक्ट नहीं मानते और रणवीर सिंह को नहीं लेना चाहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी दिन तक ये न्यूज़ चलती रही कि वो रणवीर सिंह को इस कास्ट के अंदर, जी हाँ दोस्तों, इस कास्ट में सम्मिलित नहीं करेंगे, इस फिल्म के अंदर कास्ट नहीं करने वाले हैं। उसके बाद रणवीर सिंह बेसिकली मुकेश खन्ना के पास जाते हैं और दोस्तों ये मुकेश खन्ना ने खुद बॉलीवुड ठिकाना के अंदर अपना इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर बताया कि रणवीर सिंह उनके पास आए। बेसिकली रणवीर सिंह ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई इस फिल्म के अंदर उन्हें लिया जाना चाहिए और लगभग 3 घंटे तक भाई रणवीर सिंह उनके पास बैठे रहे और ये रिक्वेस्ट करते रहे, मुकेश खन्ना को मनाते रहे कि बेसिकली आप जो फिल्म बनाने जा रहे हैं शक्तिमान, उसके अंदर उन्हें भाई लीड रोल दिया जाना चाहिए। बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट की, ये मुकेश खन्ना ने खुद कहा। बट मुकेश खन्ना ने ये भी कहा कि जो है रणवीर सिंह काफ़ी एनर्जेटिक हीरो है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन बेसिकली शक्तिमान जो रोल है उसके लिए वो भाई रणवीर सिंह को आदर्श करेक्टर नहीं मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बोला है कि जिस प्रकार की मासूमियत होनी चाहिए वो वैसी मासूमियत उन्हें रणवीर सिंह के चेहरे पर नज़र नहीं आती है, वैसी फ्रेशनेस उनके चेहरे पर नज़र नहीं आती है। एक तो कारण ये क्या है कि इस वजह से वो रणवीर सिंह को नहीं लेना चाहते हैं और दूसरी जो वजह बताया उन्होंने बताया कि रणवीर सिंह ने हाल ही के अंदर भाई न्यूड फोटो शूट कराई थी, उसको लेकर भी जब ये न्यूड फोटो शूट कराई गई वहाँ पर भी मुकेश खन्ना ने काफ़ी सारी आलोचना की थी और अब उन्हीं न्यूड फोटो की वजह से रणवीर सिंह से मुकेश खन्ना काफ़ी नाराज़ भी हो गए थे। और अब उन्होंने कहा कि जब दो मेन वजह उन्होंने बताई कि एक तो वो उस फिल्म के लिए आदर्श करेक्टर नहीं नज़र आते हैं, दूसरी भाई रणवीर सिंह ने जो न्यूड फोटो शूट कराई थी उस न्यूड फोटो की वजह से भी वो रणवीर सिंह को अपनी मूवी के अंदर भाई नहीं लेना चाहते हैं। ये दो मुख्य वजह हैं। और रणवीर सिंह ने हालांकि उन्होंने रणवीर सिंह के काम की तारीफ की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भाई इस फिल्म के अंदर रणवीर सिंह को नहीं लेंगे और किसी कास्ट को इस फिल्म के अंदर लेंगे, रणवीर सिंह इस कास्ट के लिए परफेक्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने रणवीर सिंह के काम करने के स्टाइल, उनकी एनर्जी, उनकी एक्टिंग की जरूर तारीफ की है, लेकिन बेसिकली ये एक बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, सुपर हीरो वाली इमेज वाली मूवी होने वाली है। इस फिल्म को लेकर भाई जल्दी 2025 के अंदर इस फिल्म को लेकर शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी दोस्तों कि इस फिल्म के अंदर किसे कास्ट किया जाता है। लेकिन ये मान सकते हैं कि बड़ी फिल्म होगी, भव्य फिल्म बनाई जाएगी और दोस्तों ये इस प्रकार की फिल्म बनाई जाएगी जो इंडिया नहीं प्लस ओवरसीज़ को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। मुकेश खन्ना ने बोला है सबसे बड़ी फिल्म बनाऊँगा, ज़बरदस्त फिल्म बनाऊँगा, पहली इंडियन सुपर हीरो फिल्म बनाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार टीवी सीरियल शक्तिमान को पॉपुलरिटी मिली थी दोस्तों उसी के तर्ज पर ये फिल्म बनेगी, सबसे बड़ी फिल्म होगी जिसकी स्टोरी ज़बरदस्त होगी। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कास्टिंग वो करने वाले हैं वो भी अभी होने वाली है फाइनल और बेसिकली 2025 के अंदर ये मान सकते हैं कि भाई 2025 के अंदर इस मूवी को लेकर वो कास्ट करने वाले हैं। 2026 के एंड तक उन्होंने कहा कि शक्तिमान मूवी है आपको देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर मुकेश खन्ना ने बोला है कि वो रणवीर सिंह को इस मूवी के अंदर नहीं लेने वाले हैं। बाकी कैसे लगी इन्फॉर्मेशन जरूर लिखिए भाई कॉमेंट बॉक्स में।